और रिएक्शन चेक कर लो एक बार, ये देखो भाई बंदे के रिएक्शन काफी बड़े रिएक्शन आते हैं यहाँ पे। एक जो राउंड होता है बड़ा वाला करीबन 5 या 10 हज़ार के आसपास दिखता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजस्थानी मोटो ब्लॉगर्स। तो गाइस जब देखते हो आज तो ब्लॉग स्टार्ट करे सीधा अपने हाईवे से, और फ्रेंड भी आ चुका है, अपनी बाइक भी रेडी है, तो भाई जा रहे हैं पेरिस राइड के लिए। तो भाई आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं सांगली की तरफ, भाई हमारा रोज का आने जाना वहाँ पे रहता है क्योंकि कोचिंग भाई वहाँ पे, तो सुबह से यार वहाँ पे जाना पड़ता है हमको। बस धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है करीबन 10 बजे अभी के, फटाफट से निकलते हैं अभी, उस टाइम मिलता है आपको बाइक की। सो गाइस सर, अभी हम लोग आ चुके हैं मानसरोवर में, और भाई देख सकते हो आप लोग जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा आतिश मार्केट और रेलवे स्टेशन। सो गाइस सर, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन नहीं है, मेट्रो स्टेशन ही है, और जस्ट इसके सामने आपको जो है दिख जाती है यहाँ पे वो टनल छोटी वाली। तो चलो भाई आगे जाकर दिखाते हैं आप सभी को। तो यार मैं सोचा था कि भाई एक जो है राइडिंग ग्लव्स ले लेते हैं अपने लिए, क्योंकि भाई यार धूप में गए बाइक चलाना यार बहुत ज़्यादा भाई ऐसा होता है, हाथों में ऐसे जलन मसल लगती है। तो भाई यार सोच रहे कि राइडिंग ग्लव्स भी ले लेते हैं, देखते भाई कोई शॉप मिलती है तो वहाँ से ले लेंगे एक बढ़िया से राइडिंग ग्लव्स। और देख सकते हो आप सभी के सामने आ चुके हैं भाई वो टनल जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई जो गुजर की थड़ी है वो उसके टनल ही है। तो जो जयपुर से भाई वो तो जानते होंगे यार भाई, बहुत फेमस टनल यारे वाली। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, और भाई धूप भाई वो रोज़ वाली धूप आ चुकी है, काफ़ी तेज़ धूप आ रही यार, इसकी वजह से देखते हो भाई धूप में ना भाई बाइक चलाने का तो मन नहीं करता, इसकी वजह से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ भाई राइडिंग ग्लव्स लेता हूँ अपने हाथों के लिए। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और आगे जाके मिलते हैं आपसे। तो सर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सांगनर के कॉर्नर पे, और भाई यहाँ से जो है हमको लेफ्ट जाना होता है, तो चलो भाई यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से अगर आए और भाई यहाँ पे ट्रैफिक ना हो तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि यार बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर ट्रैफिक होता है यार। और रिएक्शन चेक कर लो एक बार, ये देखो भाई बंदों के रिएक्शन काफ़ी बड़े रिएक्शन आते हैं यार यहाँ पे। चलो भाई निकलते हैं यार, आज देखो भाई थोड़ी रोड आपको खाली खाली दिख रही होगी, तो चलो भाई मैं तो निकल लेता फटाफट जा रहे हैं यहाँ से। और भाई यहाँ से जो है पर कोचिंग आने वाली है करीबन करीबन 1 या 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो चलो भाई निकलते हैं। अरे वाह यार ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ऊपर से गाड़ी रुक जाती है ना भाई, इतना लगता है कि यार धूप में कैसे निकलेंगे भाई यार। तो चलो भाई निकलते हैं इस ट्रैफिक से और आगे जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस सर, अभी जो है ना हम लोग निकल चुके कोचिंग से, और भाई हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पे जो भाई सांगने का कॉर्नर होता है वहाँ पे। तो यार यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन भाई निकल लेंगे यार कैसे भी करके। अरे वाह भाई वाह, तो भाई ट्रैफिक देखो यार यहाँ पर कितना ट्रैफिक हो रहा है, दोपहर के 3 या 3:30 बजे करीबन अभी, और ट्रैफिक चेक कर रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। सो कैसे देख सकते हो अभी जो है ना हम वही सुबह वाली गुफा पे आ चुके हैं। तो भाई यार पूरे बाईपास भाई हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और भाई आगे देख सकते हो यार आप लोग जो है न्यू आतिश मार्केट आ चुका है, जो भाई यहाँ पर सुबह डेली दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार कोचिंग कंप्लीट कर चुके भाई, आज का दिन तो ऐसा निकल गया यार, आज कुछ हुआ नहीं ज़्यादा अच्छा। तो भाई पेट्रोल हमने कल डलाया था यहाँ पे, तो भाई पेट्रोल तो है इस गाड़ी में अभी, तो चल जाएगा यार एक दिन, तो पेट्रोल की तो चिंता नहीं है अभी। तो निकलते भाई यहाँ से सीधा, और भाई अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा NP रोड पर। और भाई आप लोग देख सकते हो साइड की तरफ भाई यहाँ पे काफ़ी सारे रावण जो यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो भाई यार मैंने आपको पहले भी दिखाया जब, तो भाई यहाँ पे केवल लकड़ी थी, तो भाई बना दिया यार काफ़ी बड़े बड़े। और भाई ये जो रावण है ना इतने महंगे महंगे बिकते भाई आपको पता नहीं यार, एक जो रावण होता है बड़ा वाला करीबन 5 या 10 हज़ार के आसपास बिकता है। तो भाई देख लो यार कितनी कमाई करते भाई यहाँ पे, उतने मेहनत भी करते भाई, ऐसा नहीं बोल रहा यार मैं। तो चलो भाई छोड़ो इन सबको, चलते सीधा आगे, और भाई आगे जाके मिलते हैं आपसे आप। सो गए सर, अभी जो है ना हम लोग भाई कोचिंग से निकल गए भाई, पूरे जो है सांगने को कवर करके भाई आ चुके सीधा घर के साइड में। तो बस यार यहाँ से जो है करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर बचा हुआ घर। तो भाई यार आज के ब्लॉग को इतना रखते हैं यार, कमेंट करके बताना मुझे कितना मज़ा आया आप लोगों को आज इस ब्लॉग में। तो अगर पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग यार। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।